नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है अमृतसर से दिल्ली के बीच चलने वाली शान ए पंजाब सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी जुलाई की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 12498 शान ए पंजाब एक्सप्रेस, जो सप्ताह में हर दिन अमृतसर जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की तो यह अमृतसर जंक्शन से नई दिल्ली के बीच 448 किलोमीटर की यात्रा लगभग 7 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 12 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें LHP रेक श्रेणी के AC चेयर क्लास सेकंड सीटिंग तथा जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट में जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें अमृतसर से दिल्ली के बीच गाजियाबाद लोको शेड का Wave 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों शान ए पंजाब सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो अमृतसर जंक्शन से दोपहर के 3:10 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है व्यास जंक्शन 3:38 पर पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है जालंधर सिटी जंक्शन शाम को 4:13 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 4:18 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है फगवाड़ा जंक्शन 4:36 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:38 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते लुधियाना जंक्शन 5:20 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 5:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते खन्ना 6:08 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते राजपुरा जंक्शन 6:35 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते अम्बाला कैंट जंक्शन 7:20 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते कुरुक्षेत्र जंक्शन 7:55 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:57 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते करनाल 8:20 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते पानीपत जंक्शन 8:44 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:46 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते सोनीपत जंक्शन 9:20 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती सब्जी मंडी रात को 10:00 तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:02 पर यहाँ से रवाना हो जाती है तथा इसके बाद पहुंचती नई दिल्ली 10:30 पर तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।